ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन, विदेश मंत्री समेत 9 लोगों की हुई मौत, अजरबैजान से लौटते वक्त हुआ था हादसा। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया है। ईरान की सेमी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी मेहर ने इसकी घोषणा की, हालांकि ईरान की सरकार ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है। देश में मेडिकल असिस्टेंस देने वाली रेड क्रिसेंट ने कहा कि हादसे में किसी के भी बचे होने की संभावना नहीं है। रईसी के साथ हेलीकॉप्टर में मौजूद विदेश मंत्री हुसैन अमीरा दुल्लाहियन की भी मौत की जानकारी दी गई है। इससे पहले उनके हेलीकॉप्टर का मलबा अजरबैजान की पहाड़ियों में मिला था। इसमें राष्ट्रपति रईसी समेत 9 लोग सवार थे। हेलीकॉप्टर रविवार शाम करीब 7 बजे अजरबैजान के पास लापता हो गया था। रात भर से इसकी तलाश की जा रही थी। इलाके में भारी बारिश, कोहरा और ठंड की वजह से सर्चिंग में दिक्कतें आईं। इस दौरान 3 बचाव कर्मी भी गायब हो गए। राष्ट्रपति रईसी, विदेश मंत्री हुसैन के अलावा हेलीकॉप्टर में पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मलिक रहमती, तवरीज के इमाम मोहम्मद अली अले हाशिम, एक पायलट, को पायलट, क्रू चीफ, हेड ऑफ सिक्योरिटी और बॉडीगार्ड सवार थे। रईसी बांध का उद्घाटन करके लौट रहे थे। ईरान के स्टेट मीडिया IRNA के मुताबिक रईसी 19 मई की सुबह अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्मान अलीयेव के साथ एक बांध का उद्घाटन करने गए थे। लौटने के दौरान अजरबैजान की सीमाओं के करीब ईरान के वर्जेगंज शहर में यह हादसा हुआ। सर्च ऑपरेशन में जुटे तुर्की के एक ड्रोन को अजरबैजान की पहाड़ियों पर काविल इलाके में जलती हुई एक जगह दिखी है। शक है कि ये ईरानी राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर का मलबा हो सकता है। हालांकि हेलीकॉप्टर में सवार लोगों की हालत के बारे में अभी पता नहीं चल सका। ईरानी राष्ट्रपति रईसी अमेरिका में बने बेल 212 हेलीकॉप्टर पर सवार थे। 2 ब्लेड वाला ये एयरक्राफ्ट मीडियम साइज का हेलीकॉप्टर है। इसमें पायलट सहित 15 लोग बैठ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।